ज्यादा चिंता थी, पर आज थोड़े रिलैक्स नजर आ रहे हैं क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है। इसमें उठा के खेला है, खिलाड़ी टीम में देना, और ये बड़ी विकेट, ये बहुत बड़ी विकेट, बेहतरीन कैच है लॉन्ग ऑन पे, बड़ा झटका लगता हुआ बुलडोजर्स को, राजीव को वापस जाना होगा। बड़े शॉट ले गए, टाइम नहीं कर पाए, जो दूरी चाहते वो नहीं मिली, और अखिल भी जानते हैं इस विकेट का महत्व। ये एक बहुत बड़ी विकेट मिली है और यहां से लगता है 20 या 30 रन का फर्क पड़ सकता है अगर अल्टीमेट ऑफ स्कोर की बात करें। ये देखिए क्या कैच पकड़ा, जज किया, मसा नहीं रहता, और ये एक बहुत बड़ी विकेट, और पूरा खेमा जानता है, बेशक समर्थक हो या फिर वेंकटेश हो। जी हाँ, और सब डिसअपॉइंटेड है, जो भी कहिए तेलुगु फैंस है, बट दे हैव गोना बी मिसिंग रांची बैटिंग। 10 पे आउट हुए, 136 बचा। बड़ी विकेट है क्योंकि राजीव की एक विकेट की बात करें तो ऐसा लगा पोजीशन में आ गए थे, पर सही तरह गेंद उनके बल्ले पे आई नहीं, टाइमिंग सही बैठा नहीं, और बहुत ही उम्दा कैच है डीप में। कई बार ये कैचेस लगते आसान है पर इतने आसान होते नहीं, और ये देखिए क्या इशारा किया, ये क्या सिग्नल किया है। देखिए ये बस बोल रहे हैं देखो देखो मैं आया, वो वाला है, आया वाला सिग्नल यार, जैसे वो आर्चर करता है ना जब वो तीर कमान छोड़ता है, ये बिल्कुल वैसा इशारा था। जी हाँ, मुझे जेफरी याचर की भी याद आ गई जिसकी किताब आप बहुत पढ़ते हैं, एंड यस नागार्जुना, आई एम श्योर वो आज बहुत बड़ी पार्टी फेंकेंगे अपने बेटे के लिए अगर ये टीम जीत जाए, उनकी टीम तेलुगु वॉरियर्स। सर सोइए मत सर, ये देखने के बाद कलरफुल हेडूज देखने के बाद चिंता सब चली जाती है, दैट्स अप इन द एयर एंड वेंट इनटू नो मैन्स लैंड एंड दैट्स अ बाउंड्री। शर्मा शर्मा की गूंज चारों तरफ, ये तो लिटरली वन मैन आर्मी बन चुके हैं, और ये शॉट जो है इतना आसान है। देखिए कलाइयों का क्या प्रयोग किया, बहुत ही जबरदस्त, कहते हैं ना रबर इस, और उसको खेला वन बाउंस, उसके बाद प्रयास काफी हुआ और अंत तक प्रयास होता गया। दो खिलाड़ी, कई बार हम देखते हैं एक ही खिलाड़ी गेंद के पीछे भाग रहा है, पर यहां पे दो खिलाड़ी भी कुछ नहीं कर पाए। जी हाँ, ये गाना चिटिया कलाइयां मैं प्ले करना चाहता हूं इस वक्त टू शर्मा। Live at the Visakha Cricket Ground, मेरे साथ है